नमस्कार दोस्तों, नी आर्थराइटिस घुटने का घिसना आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या है 50 साल के उम्र वाले लोगों में। सो हालत इस कदर तक पहुंच जाती है कि उनका चलना फिरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं इवन घर की भी वो आदमी करने में अनर्थ हो जाता है। तो ऐसे में जो पेशेंट का चलना फिरना और बाहर जाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। सो घुटना जो हमारा है वो स्टेज बाय स्टेज घिसता रहता है और स्टेज फोर पर पहुंचने में हड्डी से हड्डी टकराने लग जाती है और उसके बाद पेशेंट का चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में नी रिप्लेसमेंट या नी रीसरफेसिंग एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो टेक्नोलॉजी के साथ उभर के आया है, जिसमें घुटने के प्रत्यारोपण के बाद पेशेंट का चलना फिरना बहुत ही आसान हो जाता है और एकदम से उसकी जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। तो एक ऐसे ही हमारे साथ पेशेंट मौजूद हैं मैडम हरजीत कौर जी और उनके हस्बैंड, जिनका करीब 3 महीने पहले हमने नी रिप्लेसमेंट किया था दोनों घुटनों का। आज वो फॉलोअप पे आए हैं, तो चलिए जानते हैं इनकी स्टोरी। सो सत श्रीकाल जी, भैन जी, सब तो पहले मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता भी तुम्हें सानू वीडियो बनाने का मौका दिता। सो तुम सू दसो भी जिस तरह तुम गोडे का ऑपरेशन कराए तो 3 महीने हो गए, सो गोडे पाउन तो पहला तुम कि औखे से तो किस किस चीज़ा चुनाव तुम इंप्रूवमेंट लगती है? नहीं, गोडे पहला पाउन तो पहला बहुत मैं औखी सी, तुरै फिर नहीं जाता, किसी का कम भी नहीं होता। हूँ बहुत वधिया तुर फिर सकते हैं, बहुत वधिया ऑपरेशन मेरा होया। कोई जिहड़े कम्मां च तुसीं पहलां औखाई महसूस करदे सी जिवें घर दे कम्मां दे विच जां जिस तरह तुसीं कहिंदे हो किचन दे कम्मां दे विच जां बाहर जाना, तां बहुत सारे मरीज़ साडे कहिंदे वी बहुत ज़्यादा औखा हो जांदा है। सो उह कम्म हुण तुसीं कर पाउंदे हो जां नहीं? नहीं जी, ठीक वधिया, बहुत वधिया ऑपरेशन होया, कोई इहो जी नहीं समस्या, वधिया तुर फिर सकदे हां। सो तुसीं वी सर तुहानूं दसो वी जिस तरह वी तुसीं तां इहनां नूं पहलां वी देख्या जदों गोडे पाउण तों पहलां ते हुण तुसीं दसो की फर्क महसूस करदे हो? हुण तां बहुत वधिया तुर फिरदे आ, घर का काम भी कर लग पे अगे नो तो बहुत वधिया, अगे तो बड़ी तकलीफ होंगी सी, हूँ ठीक ने? हूँ ठीक है। एक बहुत ही कॉमन सवाल है जिहड़ा साढ़े तो मरीज पुछदे ने वी जिस तरह गोडे पाउण लगे ढूई दे विच टीका लगता है, तां तुसीं उह टीके च उस टाइम किन्ना परेशान होए ते उह टीका हले भी तुहानूं दुखां दिंदा या नहीं दिंदा? नहीं जी, टीका बिल्कुल नहीं, तकलीफ कोई नहीं दित्ती, ना लाउण लगे ते ना होणी तकलीफ है कोई जी, बहुत वधिया टीका लगा। बहुत सारे जिस तरह अपने बजुर्ग ने घरे ने है ना, जिस तरह अजकल कुड़ियां दे विच पर्टिकुलरली फीमेल दे विच जी दिक्कत है गोडिया की 40 साल तो बाद ही शुरू हो जाती है। सो बहुत सारे साडे कोल अजिहे भी मरीज ने जिहड़े 40-45 साल की उम्र च हुंदे ते उन्हां दे गोडे पूरी तरह कस चुके ने। अच्छा, बहुत सारे बजुर्ग ने घरे बैठे ने डरते ने गोडे पवाउण तो, यही सलाह दी जाती है भी गोडा ना पवाओ क्योंकि जे गोडा पवाओगे तो जिन्ना तोरा फेरा करते उतों भी रह जाओगे। सो इस तरह के जिहड़े लोग डरी जाते हैं घरे बैठे, उन्होंने तुम्हें की मैसेज देना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਗੋਡੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੋਡੇ ਪਾਓ, ਵਧੀਆ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ, ਬਹੁਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ ਗੋਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਰੁਕੇ ਹੋਗੇ ਗੋਡੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਟਾਫ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।